Class 4, now we start the first chapter named The Earth, a Unique Planet. In this lesson, you will study about shape of Earth, the globe maps. इस चैप्टर में हम लोग अर्थ के शेप के बारे में पढ़ेंगे, ग्लोब और मैप्स के बारे में पढ़ेंगे. द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट ऑन विच वी लिव. इट हैज एयर, वाटर एंड लैंड. इट इज सी विच आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स. ये हम लोगों को पता है कि हमारा अर्थ है जो एक यूनिक प्लैनेट है जिसमें हम लोग रहते हैं. यहाँ पे एयर, वाटर और लैंड है जो हमारे लिए बहुत एसेंशियल है. वी नो दैट द अर्थ इज राउंड बट मैनी ईयर्स अगो इट वॉज बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट. हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारा अर्थ राउंड शेप में है, पर बहुत समय पहले लोगों का मानना था कि ये फ्लैट है. दिस बिलीव वॉज चेंज अराउंड 500 ईयर्स अगो बाय द स्पेनिश एक्सप्लोरर फर्डिनैंड मगेलियन हु सेल्ड वेस्टवर्ड्स अराउंड द अर्थ एंड रिटर्न टू द सेम प्लेस आफ्टर 3 ईयर्स. दिस क्लियरली प्रूव दैट द अर्थ इज स्फेरिकल. यह सोच 500 साल बाद बदल गया जब स्पेनिश के फर्डिनैंड मगेलियन पृथ्वी का चक्कर लगाकर 3 साल बाद उसी जगह पर पहुंच गए. तो यह क्लियरली प्रूव करता है कि हमारा अर्थ स्फेरिकल शेप में है. कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ वॉज फ्लैट. क्या आप सोच सकते हैं कि हमारा अर्थ अगर फ्लैट होता तो क्या होता. यस, इफ वी ट्रेवल टू द एज ऑफ द अर्थ वी वुड फॉल ऑफ इट्स एज. हाँ, अगर हम अर्थ के एज पे ट्रैवल करते तो हम वहाँ से गिर जाते. टेक अ लुक एट दिस पिक्चर. यहाँ पर अर्थ का पिक्चर दिया गया, आप इसको देखिए. दिस इज अ फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम आउटर स्पेस. ये जो फोटोग्राफ है ये आउटर स्पेस से लिया गया है. द अर्थ इज सो बिग दैट वी कैन नॉट सी और स्टडी द होल ऑफ इट एट द सेम टाइम. ये जो अर्थ है ये बहुत बड़ा है तो इसको एक बार में हम लोग उसके पूरे आकार के बारे में उसका स्टडी नहीं कर सकते हैं. देयरफॉर टू स्टडी द अर्थ वी यूज अ मॉडल ऑफ द अर्थ कॉल्ड द ग्लोब. तो अर्थ के बारे में जानने के लिए हम लोग उसके मॉडल को यूज करते हैं जिसको हम लोग ग्लोब कहते हैं. नाउ टर्न द पेज. द ग्लोब. अ ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ स्फेरिकल इन शेप लाइक अ बॉल. ये जो ग्लोब होता है वो एक मॉडल है अर्थ का स्मॉल रूप में जो स्फेरिकल शेप में रहता है, वो बॉल की तरह ही दिखता है. इट गिव अस अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट द अर्थ एक्चुअली लुक लाइक. ये अर्थ का क्लियर पिक्चर शो करता है कि वो एक्चुअल में कैसा दिखता है. इट हेल्प्स टू स्टडी द अर्थ एंड गिव अस एन आइडिया अबाउट द शेप एंड लोकेशन ऑफ डिफरेंट कंटिनेंट्स, कंट्रीज, ओशंस एंड सीज. ये आपको हेल्प करता है स्टडी करने में अर्थ के बारे में, और आइडिया देता है उसके शेप के बारे में, लोकेशन बताता है किसी भी कंटिनेंट्स, कंट्रीज, ओशंस या सीज का. द लार्जर द ग्लोब द ईजर इट बिकम्स टू फाइंड प्लेसेस ऑन इट. आप जितना बड़ा ग्लोब लेंगे उसमें उतना आसानी होगा किसी भी प्लेस को ढूंढना. द रॉड ऑन विच द ग्लोब स्पिन्स रिप्रेजेंट द अर्थ एक्सिस. ये जो रॉड जो है यहाँ पे, ये जो रॉड यहाँ से यहाँ अंदर में है जो जिसमें ग्लोब स्पिन करता है, रोटेट करता है, जिसके द्वारा उसको हम लोग एक्सिस करते हैं. वी ऑलरेडी नो दैट द एक्सिस इज द इमेजनरी लाइन पासिंग थ्रू द अर्थ सेंटर. ये जो एक्सिस है ये एक इमेजनरी लाइन है जिसमें अर्थ स्पिन करता है. दस द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द ग्लोब इज सेम एज दैट ऑफ द अर्थ. जो ये एक्सिस है ग्लोब का, उसका रोटेशन सेम है जैसे अर्थ स्पिन करता है. अ ग्लोब हाउएवर हैज सम लिमिटेशन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन. ग्लोब के भी कुछ लिमिटेशन है कुछ कारणों की वजह से. वी कैन नॉट सी ऑल द प्लेसेस एट द सेम टाइम. अ ग्लोब हैज टू बी रोटेट और रिटर्न टू सी द अदर साइड. तो हम लोग एक टाइम में ग्लोब में सारी जगह को नहीं देख सकते हैं. दूसरे पार्ट को देखने के लिए, दूसरी जगह को देखने के लिए हमको इसको रोटेट करना पड़ता है. द लार्जर द ग्लोब द मोर डिफिकल्ट इट इज़ टू कैरी इट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो जितना बड़ा ग्लोब लेंगे उसको कैरी करने में हम लोग को प्रॉब्लम होगा. छोटा रहेगा तो हम लोग ईजी उसको कहीं भी उठा करके ले जा सकते हैं. ऑल द प्लेसेस ऑन द अर्थ कैन नॉट बी शोन ऑन अ ग्लोब. अर्थ का जितना सारा प्लेस है वो ग्लोब में शो नहीं किया गया है. आफ्टर दैट वी स्टडी अबाउट मैप्स. अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ होल और पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन अ फ्लैट सरफेस सच एज पेपर.
ये जो मैप होता है वो एक ड्राइंग होता है, या तो अर्थ के पूरे पार्ट का या उसके हाफ पार्ट का या फिर किसी भी इम्पोर्टेंट पार्ट का ड्राइंग जो होता है उसको अर्थ सरफेस पे, फ्लैट सरफेस पे दर्शाया जाता है, जैसे कि पेपर पे। इफ यू टेक अ ग्लोब एंड फ्लैट इट वुड बिकम अ मैप। अगर आप ग्लोब को लेंगे और उसको फ्लैट कर देंगे पूरा तो वो मैप बन जाएगा। अ मैप गिव अस मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ देन अ ग्लोब। ये जो मैप होता है वो आप लोग को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा, उसके अर्थ सरफेस के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलता है इससे, जितना कि ग्लोब नहीं दे पाता है। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मैप्स, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिक। यहाँ पे मैप्स के भी टाइप्स होते हैं, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप्स शो फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, सीज, रिवर्स, लेक्स, फॉरेस्ट और फार्म्स। ये जो फिजिकल मैप्स होते हैं वो फिजिकल फीचर को शो करते हैं, जैसे माउंटेन्स, सीज, रिवर्स, लेक्स, फॉरेस्ट और फार्म्स को। पॉलिटिकल मैप्स शोज कंट्रीज, कैपिटल सिटीज एंड अदर इम्पॉर्टेंट प्लेसेस। ये जो पॉलिटिकल मैप्स होते हैं वो कंट्रीज, कैपिटल सिटीज या अदर इम्पॉर्टेंट प्लेसेस को शो करते हैं। सम मैप्स टेल अस हाउ मच रेनफॉल अ प्लेस गेट्स एंड सम टेल अस वेदर द लैंड इज अ डेजर्ट और अ फॉरेस्ट। और कुछ मैप ऐसे होते हैं जो कहाँ पे कितना रेनफॉल हुआ है वो बताते हैं, और या तो कौन सा लैंड डेजर्ट है और कौन सा फॉरेस्ट है ये बताते हैं, या फिर कौन हिली है और कौन फ्लैट है। सच मैप्स आर नोन एज थीमेटिक मैप। इस मैप को हम लोग थीमेटिक मैप्स कहते हैं। मैप्स डैट शो स्मॉल एरियाज इन डिटेल सच एज अ स्ट्रीट, अ हाउस और अ रूम आर कॉल्ड प्लान्स। जो मैप्स स्मॉल एरिया को डिटेल में बताते हैं कि स्ट्रीट या फिर किसी हाउस को या रूम को, तो उसको हम लोग प्लान्स कहते हैं। मैप्स कैन बी पुट टुगेदर इन अ बुक कॉल्ड एटलस, और जिसमें मैप्स को एक साथ रखा जाता है उस बुक को हम लोग एटलस कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग लैंग्वेज ऑफ अ मैप पढ़ेंगे। वी नीड टू नो सर्टन थिंग्स अबाउट अ मैप सच एज डायरेक्शन, स्केल, कलर्स एंड सिंबल्स, डिसेंट और की इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट। अब यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ों को जानने की जरूरत होती है मैप के बारे में, जैसे उसके डायरेक्शन, उसके स्केल, कलर्स, सैम्बल्स, लिजेंट और की के बारे में जानने की जरूरत होती है। दिस इज वाई दिस थिंग्स आर कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ अ मैप। इसलिए इस सब चीज़ों को हम लोग लैंग्वेज ऑफ अ मैप कहते हैं। हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है किसी भी मैप में कुछ जानने के लिए।